क्वेश्चन नंबर 37 ए फ्लोट राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज वॉल्यूम ऑफ 2156 क्यूब सेंटीमीटर व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ इट्स बेस सो दैट इट्स टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट्स टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम ठीक है ये आपका क्वेश्चन है देखिए वॉल्यूम इज गिवन इसका मतलब वॉल्यूम का वैल्यू क्या कांस्टेंट है तो इसे दे रहे हो क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा अच्छा कांस्टेंट दिया गया 2556 2156 आपका कांस्टेंट होगा है ना तो देखिए वॉल्यूम के लिए हम चले भी हैं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जैसे सिलेंडर और रेडियस ऑफ सिलेंडर आ गए लेते हैं ठीक है और हाइट इसकी हाइट का ऐसे ले लेते हैं हैं इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इक्वल क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच है ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच हैं पाई आर स्क्वायर एच लिख दिया मैंने इसकी वैल्यू दे रखा है कितना दे मैंने पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू दिया है 2156 ठीक है अब सरफेस एरिया को आपको मैं मिनिमाइज करना है टोटल सरफेस एरिया तो देखिए इसके पास टोटल सरफेस एरिया है क्योंकि इसके पास एक का सरफेस है एक का सरफेस जो चारों तरफ है और एक जो है टॉप और बॉटम की सरफेस है ना दोनों को जोड़िएगा तो टोटल सरफेस आ जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया आप सिलेंडर क्या होता है बताओ टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इसको क्या होगा का सरफेस एरिया और प्लस सरफेस एरिया टॉप एंड बॉटम तो का सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है ठीक है टॉप बॉटम सर्किल होते हैं तो पाई आर स्क्वायर 2 है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना तो सरफेस एरिया सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर आर एस प्लस आर ये हो जाएगा है ना अब से क्या करते हैं पूरे इक्वेशन को आर में बदल देते हैं पूरे इक्वेशन क्या करेंगे आर में बदल देंगे ठीक है या पीएच में बदल देंगे मतलब एक वेरिएबल बदलेगा तब फिर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो यहां से एस की वैल्यू निकाल लेते हैं एस इक्वल टू कितना होगा 2156 अपॉन पाई एस की वैल्यू आप इस पर रख देते हैं तो पुटिंग वैल्यू ऑफ एच सरफेस एरिया तो 2 पाई आर इनटू एच 2156 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर है ना आप इसको सिंपलीफाई करिए तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा 12 11 और 3 4 12 11 3 4 और 5 ठीक है ये चलिए इसको 2 पाई कॉमन ले लेते हैं और 1 8 का 2 पाई कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले 1 8 1 8 का जाएगा 2156 अपॉन आर नीचे बचे 2 पावर 1 पावर इससे कट जाएगी हां 2 पाई आपने बाहर ले लिया तो यहां क्या बचेगा 2156 अपॉन 5 ये बचेगा हां ठीक है आप एक प्लस आर स्क्वायर कर देंगे ठीक है तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ds / dr क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट इसलिए करना है क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम के लिए पर डेरिवेटिव होता है तो पर डेरिवेटिव निकाल करके जीरो कर देंगे यहां से r की वैल्यू आ जाएगी तो ds / dr इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई और md / dr और 2156 / pi r प्लस d / dr आर स्क्वायर ठीक है अब तो सिंपलीफाई कर लिया जाएगा 2 पाई बाहर हो जाएगा 1 अपॉन पाई बाहर हो जाएगा है ठीक है अब फिर 2 पाई 2156 डी बाय डी आर आर स्क्वायर माइनस 1 2 आर ठीक है ये हो जाएगा आपका डी एस बाय डी आर इक्वल हो जाएगा 2 पाई ब्रेकअप में 2156 अपॉन 5
2156 upon 22 by 7 into minus 1 upon R into 1 1 or plus 2. Then they have 2y 7 much as 2156 upon 22 minus of plus 2. Minimum value
पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू करेंगे फाइंड फाइंड दी हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो हाइट आपको निकालना है, रेडियस ऑफ द जिस पर मिनिमम होना है वो रेडियस मिल गया, अब आपको हाइट निकालना है, तो हाइट निकाल लीजिए। तो हाइट का इक्वेशन क्या होता है ये ना, h इक्वल टू आपका है 2156 अपॉन y इनटू r स्क्वायर, ठीक है ना, तो जाएगा 2156 अपॉन 22/7 इनटू 7, तो जाएगा आपका 2156 अपॉन 22 इनटू 7 11.2 है, और ये लेगा आपका 11 हो गया 1078, ये लेगा आपका 98 अपॉन 11 इंटू 7 11 आर स्क्वायर
बार देखो एक ही बार कौन है और सतावतिया चलिए इधर लेफ्ट साइड रख सकते हैं ये वाला सुपर इसमें रखिए हाथ कर लिए सेवन थ्री और सेवन एट ना फिर कर दिया इलेवन हो गया और वन फाइव फोर हो और फिर इलेवन वन जाए इलेवन वन जाए इलेवन फोर जाए सही फोर्टीन सेंटीमीटर सही मिनिमम सरफेस एरिया हाइट छोटा होगा और रेडियस सर ये ना सर काफी कर लिया।